नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी अक्षय नवमी पर्व के बारे में। इसके पहले आसान ज़िंदगी में अक्षय नवमी पर्व पूजा का वीडियो विधिवत बताई हूँ, पूजा करके नहीं दिखाई हूँ और इस साल भी करके नहीं दिखा पा रही हूँ। हो सकता है अगले साल आपको मैं पूजा करके दिखाऊँ, जैसे कि अभी मैं तुलसी मैया जी का पूजा करके दिखाऊँगी। वैसे ही तो एक पूजा मैं बहुत दिन के बाद करी हूँ, अगले साल आपको अक्षय नवमी का जो है आंवला में पूजा करके, हमारे पास में ही आंवला है पर व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं जा नहीं पाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी इस बार लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय जो कि आंवला नवमी पर किया जाता है, और आपके घर में सदैव धन धान कैसे भरा रहे उसके लिए उपाय बताऊँगी। जो कि आंवला नवमी भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है, और आंवला माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ता भी है। कार्तिक महीना चल रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना जो भी संकट है धन से संबंधित उसको दूर करने के लिए इन सब उपायों को जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आंवले का पेड़ आपके घर में है, जैसे कि मैं तमाम वृक्ष होते हैं जो कि घर में नहीं, कहा जाता है कि घर में बड़े वृक्ष नहीं होना चाहिए, फिर भी आंगन में या कहीं आगे पीछे आंवला बहुत शुभ होता है। आंवला का वृक्ष अगर आपके पास आसपास या आपके घर में द्वारे में आंगन में है तो गाय के गोबर से आंवले के तले जो मूल है जड़ उसके चारों तरफ लीपना चाहिए। जो गाय का गोबर हर पूजा में लीपने के लिए इसलिए बताया जाता है कि गोबर भी लक्ष्मी से संबंधित होता है। तो आजकल न तो गाय मिलती है, न गाय का गोबर मिलता है, न तो कोई लीपता है, न कोई लीपना चाहता है। साफ़ सफाई थोड़ा सा करके पूजा करते हैं, तो आप अगर गोबर नहीं मिल रहा है तो पानी से भी चौकोर आंवले के नीचे साफ़ कर लें, और आटे से, गेहूं के आटे से चौक बनाएं। चौक बनाने का वीडियो भी आसान ज़िंदगी में डाला गया है कि चौक कैसे बनता है। कोई भी शुभ जब पूजा पाठ होता है, जैसे कि बचपन में हम लोग के यहाँ सत्यनारायण की कथा होता था, चौक जरूर नान भोजी बनाती थी, तो आटे से चौक बनाएं और उस चौक के अंदर ही जो जजमान होते हैं, पंडित जी होते हैं, बैठ के पूजा करते हैं, और घर के और बाकी लोग जो रहते हैं, जो पूजा में शामिल रहते हैं, वो चौक से बाहर रहते हैं, सब सामान उठा के चौक के अंदर देते हैं, पूजा होती रहती है। चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद अष्टदल कमल बनाएं, जो कि आसान ज़िंदगी में डला हुआ है, सर्च करके देखें कि अष्टदल कमल कैसे बनता है, उसको बनाएँ। फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का भी वीडियो डला है, जो हमारे पुराने यूजर हैं, यूवर हैं, वो देखते हैं, जानते हैं हमको, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ कि मैं हर चीज़ें क्यों बताती हूँ कि आप कहीं भटके ना। सभी पूजा से संबंधित चीज़ें आसान ज़िंदगी में डली हुई हैं। कलश स्थापना कैसे किया जाता है उसको भी देखें। जैसे कि बाहर कहीं आप पूजा करने जा रहे हैं आंवला का, तो जैसे कलश जो होता है वो मिट्टी का किसी कलश ले जाकर वहाँ पर मिट्टी का दीपक जला के वहाँ पर छोड़ के आ सकते हैं। अगर पीतल या कांसे का कलश आप घर से ले जाते हैं, तब भी आप पूजा के बाद जब पूजा संपन्न हो जाए तो उस कलश का जल आंवले के मूल में जड़ में डाल के आप लोटा अपने घर ला सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बार आंवला नवमी का पूजन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप कैसे करें। जब भी आंवला पूजन, जब भी आंवला नवमी रविवार के दिन पड़ता है, तो रविवार के दिन पीपल, तुलसी, आंवला ये सब वृक्ष पौधे नहीं छुए जाते, इसलिए एक दिन पहले ही मना लिया जाता है अक्षय नवमी अगर रविवार के दिन पड़ता है तो। लेकिन इस बार बहुत ही शुभ सोमवार के दिन आंवला नवमी पड़ने से इसका जो महत्व है, शुभता है, ये 10 गुना बढ़ गई है। सोमवार के दिन जब हम, वैसे कई उपायों में हम बताते हैं कि सफ़ेद वस्तुओं का दान, वैसे तो माता लक्ष्मी का जो वस्त्र है वो भी लाल है, कमल आसन भी वो भी गुलाबी है, सभी लाल पुष्प वगैरह चढ़ाए जाते हैं, पर जब दान की, दान से संबंधित जब बातें आती हैं तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से जो माँ लक्ष्मी की जो शुभता होती है, प्रसन्नता होती है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि गौरी शंकर के मंदिर हो या माँ लक्ष्मी जी के मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, तो सफ़ेद वस्तुओं में क्या क्या होता है वो भी मैं, जो हमारे युवर पूछते हैं उनको मैं बताती हूँ, जो नए लोग हैं उनको भी बता रहा हूँ सफ़ेद वस्तुओं में क्या क्या होता है। तो सफ़ेद वस्तुओं में खाने पीने की चीज़ों में होता है चावल, दूध, मिश्री, बतासे, धान की लाई, ये सभी चीज़ें खाने पीने में, जो काजू, ये सब चीज़ें आ गई। और जैसे पहनने की चीज़ें में होता है सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद जो धागे होते हैं रेशमी, वो पुष्प, कपूर, रुई, नहीं हो सका वस्त्र तो उसकी जगह रुई दे देते हैं। गाय का घृत,
ये सभी चीज़ें आती हैं सफ़ेद चीज़ों में। इत्र, इत्र जो होता है, जो आजकल सेंट आते हैं स्प्रे वाले सब नहीं, इत्र आता है जो कि बहुत ही धीमी महक होती है और सिर में दर्द वगैरह ज़्यादा देर तक उसके गंध से सिर में दर्द भी नहीं होता, बहुत सुंदर महक होती है। इत्र, इत्र जरूर दान देना चाहिए। इस सोमवार को जो अक्षय नवमी पड़ रहा है ये बहुत ही शुभ है और इस अक्षय नवमी में आप उपाय भी कर सकते हैं। जैसे मैं सभी पूजा में बताती हूँ कि जब आंवला के नीचे आप जाते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ जंगल में है, जैसे आप एक वीडियो भी मैं दी थी, तो वहाँ पर गाय गौरैया और गरीब दिखते हैं, तो उनको खाने पीने की चीज़ें, अब खाने पीने की चीज़ें में जैसे कि जब आंवला पूजन करने जाते हैं तो वहाँ पर पिकनिक मनाने भी जाते हैं, जैसे कि सभी खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, पूड़ी खीर सब्जी सभी चीज़ें, तो पूजा करने के बाद उन लोगों को जैसे गाय दिखे तो एकाक पूड़ी खिला दे उसको, या रोटी गेहूँ की रोटी, जैसे मैं आपको आगे बताऊँगी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है, तो रोटी है पूड़ी सब्जी है कुछ भी है तो गाय को खिला दें, गौरैया है उसको डाल दें, कोई भी पक्षी दिखे तो, और गरीब गरीब भी जाते हैं कि हाँ वहाँ पूजा सब करेंगे तो हमको कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, तो उनको भी दें। फिर अपने बंधु बांधुओं के साथ आंवले के नीचे बैठकर भोजन करें, जैसे कि हम लोग बचपन में जब देखते थे हमारी दादी लोग आंवले के नीचे पूरे कार्तिक महीने में भोजन करती थी, यानी कि दिन के समय आंवले के नीचे जाके भोजन बना लेती थी खाती थी, तो जैसे कि दूर है आंवला बगीचा उगीचा, तब उस समय बिजली उजली की उतनी व्यवस्था नहीं थी, दूर है, तो यानी कि छत्र के नीचे भोजन बना के एक महीने तक नहीं खाती थी, दिन में आंवले के नीचे और रात्रि में घर से बाहर, हम लोगों के यहाँ द्वार बोलते हैं, दरवाजे से बाहर खाना बनाते थे, दिन में महिलाएं बनाती थी, रात को जो आदमी लोग होते हैं उनके मिट्टी के बर्तन में बना के खाना खाते थे, बहुत शुभ होता है सब चीज़ें। जो मान्यता थी अब नहीं निप पाता तो नहीं कर पाते, लेकिन इनको करना चाहिए, जितना अगर नहीं हो सकता है हमेशा कम से कम आंवला नवमी के दिन आलू तले खाना खा के कुछ दान करें। और उसी प्रकार से नहा, जैसे आंवला नवमी के दिन आपको स्नान करना है तो अभी आंवला मिलने लगा है, तो आंवले का रस निकाल के और जो दो चार बूंदें पानी में डाल के फिर स्नान करें, इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति, यानी कि जहाँ से लक्ष्मी का आगमन होता है वहाँ से लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको दुगुना तिगुना रूप में मिलने लगती हैं, उसे प्रमोशन के रूप में आपका प्रमोशन हो गया या किसी भी तरह के बोनस के रूप में कहीं किसी भी तरह से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, शुभता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करने से और किस प्रकार से आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जब आप पूजन करते हो, पूजन के बाद जैसे कार्तिक महीना चल रहा है तो रात्रि के समय ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोण में आप कहीं भी हों, फ्लैट में हों, कहीं भी हों, गांव में हों, कहीं भी हों, तो उत्तर पूर्व कोना जहाँ पर हो वहाँ पर साफ सफाई करके एक दीपक जो कि गाय के घी से जलाएं, अपने इष्ट के नाम से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से, माँ लक्ष्मी के नाम से। तो गाय से जो संबंधित मैं आपको कई बार बताती हूँ कि गाय का गोबर पंचगव्य जो बनाया जाता है वो गाय के पांच चीज़ों से बनाया जाता है, अति शुभ माना जाता है उसको, सभी राप ताप पंचगव्य को पीने से दूर हो जाता है। तो गाय का दूध घृत दही मूत्र और गोबर, ये पाँच चीज़ों से पंचगव्य बनाया जाता है। तो गौ माता का हर चीज़, जैसे कि जब गृह प्रवेश होता है तो पहले गाय को घर में प्रवेश कराया जाता है, उस गाय को पकड़ के और उसके डोरी से घुमा के फिर उसको गाय को दान कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी अति शुभ माना जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर गई। तो इसीलिए गाय के संबंधित जितनी भी हम उपाय बताते हैं आपको, तो इससे लक्ष्मी से संबंधित, यानी कि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये चीज़ें बताते हैं। जैसे कि कोई भी अंगहीन व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनको भी भोजन कराने से, उनका उपचार कराने से, उनको जैसे भी ठंड होगा तो उनको वस्त्र दान करने से भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता बढ़ती है। और अगर शनि जी और लक्ष्मी जी का भी संबंध अच्छा है, शनि जी जाते हुए प्रसन्न करते हैं लोगों को, माँ लक्ष्मी जी आते हुए प्रसन्न करती हैं, तो जैसे शनि की जो वक्र दृष्टि लोगों के ऊपर पड़ के उनका नुकसान करती हैं, तो उस स्थिति में शनि जी का भी उपाय आंवला नवमी पर किया जा सकता है। उसी प्रकार से श्यामा गाय, जो सांवले रंग की काले रंग की गाय होती है, उसको इस दिन गेहूँ की रोटी बना के उस पर गुड़ रख के उस गाय को खिलाएं। काली गाय नहीं मिलती तो आप लाल गाय को भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं।
वैसे तो गाय को, कौवा को, कुत्ता को रोटी रोज ही देने से जो घर का दरिद्रता होता है, बीमारी होती है, अशांति होती है, ये दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग आंवला नवमी को पूजन करने जाते हैं तो आंवले का फल या डाल तोड़ते हैं। मैं बताती हूँ कि जिस दिन जिस वृक्ष की पूजा होती है उस दिन उस वृक्ष को क्षति नहीं पहुँचाया जाता, उसका पत्र, फूल, फल या किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन उनकी पूजा होती है। जैसे कि गुरुवार का जो व्रत करते हैं उनको केला खाने से क्यों मना किया था, क्योंकि उस दिन उनकी वो पूजा करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कई चीज़ों को खाने को बोला भी जाता है पर उस दिन तोड़ा नहीं जाता, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से आंवला तले जब हम भोजन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो अगर आपको मिल सके तो नौ कन्याओं को आप आंवले के नीचे एक दरी बिछा के उनको पूड़ी और खीर का भोजन कराएं। जैसे ऐसा ना हो सके तो चार कन्या हो तो चार कन्या को ले जाएं। अगर आंवला के नीचे व्यवस्था ना हो सके तो घर पर ही कन्याओं को भोजन करा के और पीली चीज़ों का दान करें। अब पीली चीज़ों में वस्त्र भी आता है, अगर वस्त्र नहीं हो सकता तो केले और बेसन के लड्डू कन्याओं के हाथ पर रख के उनका चरण स्पर्श करें, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के। जैसे गौ माता को मैं बोलती हूँ, उसे कन्याएं भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं, तो उनको प्रणाम भी करें। कन्याओं को भोजन के लिए हर पर्व में बुलाया जाता है, जैसे नवरात्रि है, जैसे कि वट सावित्री है, तमाम जो पर्व होते हैं उनको कन्याओं को भोजन कराने के लिए बोला ही जाता है। और विशेष पर्वों में जैसे कि बच्चों को भी बोला जाता है, वो ग्रह शांति के लिए जैसे मंगल, शनि सब पूजा होता है तो बच्चों के लिए भी बोला जाता है, लड़कों के लिए खिलाया जाता है। पर इस आंवला नवमी में कन्याओं को भोजन करा के पीली वस्तुओं का, पीली चीज़ों का दान दे के उनका चरण स्पर्श करके माँ लक्ष्मी मान के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस आंवला नवमी में क्या करें क्या ना करें, इसके पहले वीडियो डाला जा चुका है, आप उसको देख सकती हैं। और इसी तरह के वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।